हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश की सीडीपी की स्मार्टफोन क्लास में। मैं मुकेश, आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आगामी सभी शिक्षक भर्ती को ध्यान में रखते हुए जो भी आपकी टेट, सी टेट और यूपी टेट या जो भी परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, समस्त परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जिसमें आपका KVS है, DSSB है और उसके बाद रीट है और ये सभी जो परीक्षाएं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए CDP की एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण सीरीज हमारे संस्था द्वारा चलाई जा रही है फ्रेंड, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के साथ जुड़कर वीडियो को में आप सभी लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए अपने आंसर जरूर कमेंट करिएगा। फ्रेंड, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हमारा जो सीरीज है। तो चलिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन हमारा है, ज्ञान विद्यमान है। जी हाँ, ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है तथा इस ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। कौन सा संप्रदाय इस कथन को नहीं स्वीकारता है? व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, गेस्टाल्टवाद या संरचनावाद? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए सभी साथी अपना अपना आंसर कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अपना आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब क्या है? ज्ञान विद्यमान है, जल्दी जल्दी सभी साथी फटाफट लाइव आ जाइए, क्लास प्रारंभ हो चुकी है सभी का। मैं CDP की स्मार्टपुर क्लास में मुकेश स्वागत करता हूँ, सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास प्रारंभ हो चुकी है। यह क्लास फ्रेंड निश्चित तौर पर परीक्षा में मदद पहुँचाएगी। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए अपने आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड, क्या इसका सही जवाब? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प क्या है, फटाफट बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प क्या है? एक रुकिए आप लोग, चलो फ्रेंड फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब क्या है। क्या व्यवहारवाद है, क्या संज्ञानवाद है, क्या गेस्टाल्टवाद? देखिए भैया, व्यवहारवाद ही मानता है ज्ञान विद्वान विश्वसनीय था, एक ज्ञान प्राप्त करना ही अधिगम है, बिल्कुल सही। संज्ञानवाद की भी यही मान्यता है, गेस्टाल्टवाद की भी यही मान्यता है। जो इस मान्यता को नहीं मानता फ्रेंड, हुआ है विकल्प नंबर डी, संरचनावाद इस मान्यता को नहीं मानता है, तो विकल्प नंबर डी से इसका बिल्कुल सही जवाब है। काफ़ी सारे साथियों ने विकल्प नंबर डी को कमेंट किया है, इसलिए इन सभी के जवाब सही हैं, उन सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी इज द राइट आंसर, संरचनावाद इस मत को नहीं मानता है, इसलिए यह क्वेश्चन का बिल्कुल डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़िए फ्रेंड, अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संप्रेषण तत्व नहीं है? संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण की श्रृंखला, संप्रेषण का उद्देश्य, संप्रेषण का नियोजन? क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सभी साथी जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड कि कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है। जी हाँ, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा? फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए, ये क्लास प्रारंभ हो चुकी है, जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए। चलिए बहुत बढ़िया, डी डी धर्मेंद्र कुमार जी डी कमेंट कर रहे हैं, और भी सभी साथी फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। चलिए डी डी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी साथियों के आंसर लगभग लगभग सही है भैया, कि संप्रेषण का जो नियोजन है यह संप्रेषण का तत्व नहीं है, जबकि संप्रेषण के लिए माध्यम, श्रृंखला, उद्देश्य, इन सभी तत्वों का होना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए जिस तत्व का आवश्यक नहीं है, जो तत्व आवश्यक नहीं है वह है नियोजन, तो विकल्प नंबर डी से इसका बिल्कुल सही जवाब है। डी इज द राइट आंसर, संप्रेषण का नियोजन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए फ्रेंड, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व है, सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का अभाव, उच्च मानसिक क्षमता। बताए फ्रेंड कि अध्यापक के व्यक्तित्व विकास में बाधक तत्व क्या है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, आप सभी लोग आसानी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, क्या इसका सही जवाब? क्या सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभव, कल्पना शक्ति का अभाव तथा उच्च मानसिक क्षमता? इस क्वेश्चन के लिए सही विकल्प क्या है फ्रेंड, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए सभी साथी कमेंट सेक्शन में अपने अपने आंसर टाइप करिए। चलिए एक आंसर आ गया विकल्प नंबर सी, और भी सभी साथी लगता है वीडियो को आज आप सभी लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, हमारे संस्था की तरफ से भी वीडियो को शेयर नहीं किया गया है क्योंकि संख्या आप लोगों की बेहद कम है, तो आप सभी लोग से पहला रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए आप सभी लोग, क्योंकि ये क्लास सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से निश्चित तौर पर परीक्षा में आपको मदद मिलने वाली है।
चलिए विकल्प नंबर सी 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 सी, कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं, तो ए वाले का गलत जवाब गलत है, विकल्प नंबर सी वाले सभी साथियों का जवाब सही है कि कल्पना शक्ति का जो अभाव है वह एक बाधक तत्व के रूप में है, इसलिए ये विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। सी इज द राइट आंसर फ्रेंड, सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं कि कल्पना शक्ति का अभाव एक टीचर के एक शिक्षक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम का लाभ है, अध्यापक की आवश्यकता नहीं रहती, यह उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यह प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उपयोगी है, शिक्षार्थी अपनी गति के अनुसार सीखता है। बिल्कुल सिंपल था क्वेश्चन फ्रेंड, फटाफट आंसर कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए सही जवाब क्या है, चलिए सी और डी, सी और डी आंसर आने पर आ चुके हैं, कुछ लोग बी भी आंसर कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए भैया, कंप्यूटर की सहायता केवल उच्च स्तर के बच्चों के लिए ही नहीं होती है, बल्कि यह शिक्षार्थी के अपने गति के अनुसार अधिगम करने के लिए होती है, कि मतलब इसमें बच्चा जिस प्रकार से चाहे उस प्रकार से कार्य कर सकता है, उस प्रकार से अधिगम प्राप्त कर सकता है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, छोटे स्तर के बच्चों को भी कंप्यूटर के माध्यम से अधिगम कराया जाता है, लेकिन डिपेंड यह करता है कि इसमें बच्चों के सीखने की गति को ध्यान में रखा जाता है, किस प्रकार से बच्चे सीखते हैं। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर अध्यारोपित नहीं है, यह कथन किनका है, ट्रेयर्स का, गेने का, स्टेयर्स का या मैकग्रो का, फटाफट से बताएं फ्रेंड। मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया गया तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर अध्यारोपित नहीं है, यह कथन किनका है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए अपने आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। देखिए, सोशल कल्चर थियरी अष्टपदी सोपानकी के सिद्धांत जिन्होंने दिया है वही इसके जन्मदाता हैं, वही इन्होंने उन्हीं का कथन है, रॉबर्ट गैने। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, रॉबर्ट गैने का यह कथन है फ्रेंड, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट गैने ने कहा है, मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन है रॉबर्ट गैने का। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बी द राइट आंसर फ्रेंड, 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, किशोर अवस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है, बहुत शीघ्रता से और बहुत अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, अधिक तेजी से लेकिन एवं कम मात्रा में। बताइए फ्रेंड, किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में पूछा रहा है कि मानसिक और बौद्धिक विकास किस प्रकार से होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए अपने आंसर कमेंट करके बताएं, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या है, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताएं भैया। चलिए, ए ए ए ए आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं, विकल्प नंबर ए, काफ़ी सारे साथी विकल्प नंबर ए कमेंट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल सही है। ए वाले साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं कि बहुत अधिक शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में, कहने का मतलब फ्रेंड कि इस अवस्था में जो विकास की प्रक्रिया होती है अत्यंत तीव्र हो जाती है और लगभग लगभग पूर्ण हो जाती है विकास की प्रक्रिया, तो जो ही मानसिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया बहुत अधिक मात्रा में तथा बहुत अधिक तेजी से इस अवस्था में प्रारंभ होती है हो जाती है। आगे बढ़िए फ्रेंड, शिक्षा में ICT उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, बड़ी संख्या में शिक्षार्थी को शिक्षा से जोड़ना संभव होगा, अध्यापक की आवश्यकता नहीं होगी, अध्यापक की भूमिका सहजकर्ता के रूप में होगी, शिक्षा ज़्यादा प्रभावी होगी। फ्रेंड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि शिक्षा में ICT के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए अपना आंसर कमेंट करके बताइए कि ICT का उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। चलिए, बी 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 आंसर कमेंट करें सभी साथी। चलिए, बी बी बहुत ज़्यादा संख्या में साथी बी कमेंट कर रहे हैं, आंसर नंबर बी ज़्यादातर कमेंट में आ रहा है, चलिए बी ही कमेंट आ रहा है। तो इसका जो सही जवाब फ्रेंड वह है विकल्प नंबर सी,
अध्यापक की जो भूमिका होगी वह सहजकर्ता के रूप में रहेगी। कहने का मतलब फ्रेंड ये यहाँ पर गलत है। आईसीटी का मतलब फ्रेंड पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन, कहने का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। यह क्या होता है, बच्चों को एक कंप्यूटरीकृत शिक्षा के माध्यम से जोड़ा जाता है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी इज द राइट आंसर फ्रेंड, सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। किस अवस्था में बालक परामर्श शिक्षण के अत्यंत सक्रिय होता है। किस अवस्था में बालक परामर्श शिक्षण में अत्यंत सक्रिय होता है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अपने आंसर कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या है, किस अवस्था में बालक परामर्श शिक्षण में अत्यंत सक्रिय होता है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। परामर्श का मतलब फ्रेंड किसी से सलाह लेना परामर्श होता है। जैसे हम डॉक्टर से क्या लेते हैं, परामर्श लेते हैं, मतलब सलाह लेते हैं। परामर्श पर्टिकुलर होता है, मतलब किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है, और निर्देश एक समूह को दिया जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रेंड, जानते रहिएगा कि परामर्श एक व्यक्ति को दिया जाता है, जबकि निर्देशन एक समूह को दिया जाता है। जी हाँ, आप सभी के जवाब सही हैं। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड, कि किशोरावस्था में बालक में परामर्श शिक्षण की अत्यंत सक्रिय अवस्था होती है। विकल्प नंबर बी वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। बी वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। बी इज द राइट आंसर, एडोलेसेंस इज द राइट आंसर। अगला, अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं आर्शुवेल, पियाजे, हल तथा स्किनर। जी हाँ, प्रोग्राम लर्निंग की बात कर रहे हैं तो प्रोग्राम लर्निंग मॉडल के जनक के तौर पे किसका नाम प्रसिद्ध है फ्रेंड, चलिए चलिए इस पे भी देखेंगे। चलिए डी, बिल्कुल आप सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। स्किनर इज द राइट आंसर। स्किनर जी ने अभिक्रमिक अधिगम तथा या जिसको हम प्रोग्राम लर्निंग कहते हैं, इस प्रकार के मशीन को डेवलप किया है। विकल्प नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आंसर में कमेंट करके बताएं फ्रेंड कि स्किनर जी कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। आप सभी लोग आंसर में कमेंट करके बताएं फ्रेंड, स्किनर कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, ये जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। प्रत्याशा सिद्धांत, जी हाँ, प्रत्याशा सिद्धांत को किसने दिया है, विक्टर ब्रूम, वाटसन, बी एफ स्किनर या थॉर्नराइक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, जी हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्याशा सिद्धांत को किसने दिया है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। प्रत्याशा सिद्धांत को किसने दिया है, जी हाँ फ्रेंड, यूएसए के ये मनोवैज्ञानिक हैं, जी हाँ यूएसए के ये मनोवैज्ञानिक हैं, बी एफ स्किनर। आप सभी के जवाब सही हैं। इस क्वेश्चन के लिए अपने आंसर कमेंट करें फ्रेंड, प्रत्याशा सिद्धांत को किसने दिया है। चलिए आंसर आने पर आरंभ चुके हैं, कुछ लोग सी कर रहे हैं, कुछ लोग डी कर रहे हैं, कुछ लोग ए कमेंट कर रहे हैं। चलिए तो ए वाले साथियों के जवाब सही हैं, विक्टर ब्रूम इज द राइट आंसर, इन्होंने ये प्रत्याशा सिद्धांत दिया है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इस प्रश्न को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यह पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़िए फ्रेंड अगले प्रश्न की तरफ। स्वप्रत्यय, जी हाँ स्वप्रत्यय विकसित होता है स्वधारणा से, लोगों की धारणा से, स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से या बुद्धि से। तो स्वप्रत्यय किस प्रकार विकसित होता है फ्रेंड, आंसर कमेंट करके बताएं कि स्वप्रत्यय किस प्रकार विकसित होता है, स्वधारणा से, लोगों की धारणा से, स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से। जी हाँ, विकल्प नंबर सी और ए भी कमेंट आ रहा है, ए और सी कमेंट कर रहे हैं सभी साथी, जल्दी से बताइए। चलिए विकल्प नंबर ए और सी, सी 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 सी, बहुत बढ़िया। सी वाले लगभग सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं, कि स्वधारणा तथा लोगों की धारणा से स्वप्रत्यय नामक संप्रत्यय विकसित होता है। विकल्प नंबर डी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब लगभग सही हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत ने नहीं है, कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत से संबंधित तथ्य नहीं है। नवीन ज्ञान अथवा सूचनाओं को ग्रहण करना,
अर्जित ज्ञान का रूपांतरण, ज्ञान की पर्याप्तता का जांच करना, ज्ञान की अपर्याप्तता का जांच करना। बताया फ्रेंड कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? जी जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, इन्होंने तीन प्रकार से तीन भागों में अपने सिद्धांत को बांटकर अध्ययन किया था, आइकॉनिक, इनएक्टिव और सिंबॉलिक। आइकॉनिक, इनएक्टिव और सिंबॉलिक। चलिए ए ए ए आंसर आने पर आरंभ हो चुके हैं तो नहीं है फ्रेंड। नवीन ज्ञान तथा सूचना को ग्रहण करना यह इनके सिद्धांत में सम्मिलित है, यह तो सही है। अर्जित ज्ञान का रूपांतरण यह भी इनके सूचना इनके सिद्धांत का भाग है, बिल्कुल यह भी सही है। ज्ञान की पर्याप्तता की जांच यह भी सही है। तो विकल्प नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, यह इनके सिद्धांत का भाग नहीं है। ज्ञान की अपर्याप्तता का जांच इनके सिद्धांत में नहीं किया जाता है, इसीलिए विकल्प नंबर डी इनके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी वाले सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। डी इज द राइट आंसर फ्रेंड। डी आंसर कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही है। अगला गोलमैन का, जी हाँ गोलमैन का नाम जाना जाता है, गोलमैन का नाम जाना जाता है बुद्धि सिद्धांत के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, सांवेगिक बुद्धि के लिए, सामाजिक बुद्धि के लिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। डेनियल गोलमैन का नाम जाना जाता है बुद्धि सिद्धांत के लिए, आध्यात्मिक सिद्धांत के लिए, सांवेगिक बुद्धि के लिए या सामाजिक बुद्धि के लिए? आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, डेनियल गोलमैन का सिद्धांत किसके लिए जाना जाता है? जी हाँ डेनियल गोलमैन, प्रीवियस ईयर में इस क्वेश्चन को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आई होप इस क्वेश्चन के लिए आप सभी के आंसर 100% सही होने चाहिए कि डेनियल गोलमैन का जहाँ पर भी नाम आता है वहाँ पर हम बात करते हैं सामवेगिक बुद्धि की, मतलब संवेगात्मक बुद्धि की बात करते हैं फ्रेंड। डेनियल गोलमैन इनका कहना है कि बिना संवेग के बुद्धि निरर्थक होती है, इसलिए एक नया संप्रत्यय इन्होंने दिया था संवेगात्मक बुद्धि का। तो इनका नाम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, डेनियल गोलमैन का। विकल्प नंबर सी वाला जवाब बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर सी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। आगे बढ़िए, ब्रूनर के अनुसार, ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? औपचारिक शिक्षण सिद्धांत, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, वर्णात्मक शिक्षण सिद्धांत तथा प्रमाणिक शिक्षण सिद्धांत। कौन सा ब्रूनर के अनुसार शिक्षण सिद्धांत नहीं है फ्रेंड? आंसर कमेंट करके बताइएगा। देखिए फ्रेंड औपचारिक शिक्षण सिद्धांत यह तो इनके अनुसार है, वर्णात्मक भी है, प्रमाणिक भी है। जो नहीं है फ्रेंड वह है विकल्प नंबर बी, अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत जिसका संबंध विद्यालय के बाहरी परिवेश से होता है उसको बनर्जी शिक्षण सिद्धांत नहीं मानते हैं, इसीलिए विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। यह फ्रेंड कि बालक विद्यालय के बाह्य परिवेश से जो शिक्षा ग्रहण करता है उसे अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। उस प्रकार के शिक्षण सिद्धांत को जेरोम ब्रूनर ने अपने शिक्षण सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया है, इसलिए विकल्प नंबर बीस का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में, पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था? जी हाँ पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? पूर्व कार्यात्मक अवस्था, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था या स्थूल कार्यात्मक अवस्था? सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, आसानी से आप सभी लोग आंसर कमेंट करके बता दीजिए क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? फटाफट आंसर कमेंट करके बताएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, आई होप आप सभी के आंसर सही होने चाहिए। आप जानते हैं कि देखिए जो आपका संवेदी गामक है जिसकी आयु सीमा होती है 2 से 2, ठीक, पूर्व कार्यात्मक 2 से 7 और औपचारिक 16 वर्ष या 17 वर्ष, ये होता है 7 से 11 वर्ष। तो आप समझ चुके होंगे किसमें है सम्मिलित। जी हाँ बिल्कुल विकल्प नंबर बी द राइट आंसर, कि किशोरावस्था का जो आधार होता है वह औपचारिक कार्यात्मक अवस्था में होता है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कि जो भी किशोरावस्था के जो लक्षण दिखाई देते हैं पियाजे के अनुसार उनकी चौथी अवस्था में दिखाई देते हैं जिसका नाम है औपचारिक कार्यात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? सीखने की उत्सुकता, ज्ञान की संरचना,
क्रमशीलता का अभाव व पुष्टिकरण। यहाँ प्रेरण निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? सीखने की उत्सुकता, ज्ञान की संरचना, क्रमशीलता का अभाव या पुष्टिकरण। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड कि कौन सा शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है। सीखने की उत्सुकता तो विशेषता भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक छात्र इच्छुक रहेगा तब तक शिक्षण नहीं होगा। ज्ञान की संरचना मतलब ज्ञान का एक सुव्यवस्थित ढंग से क्रम होना चाहिए, संरचना होनी चाहिए, तभी तो आप ज्ञान प्रदान कर सकते हैं बच्चों को। क्रमशीलता का अभाव यह विशेषता नहीं है फ्रेंड। फीडबैक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शिक्षा अध्ययन अध्यापन का फीडबैक एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसका होना भी तो अत्यंत जरूरी है। क्रमशीलता का अभाव यह शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है। क्रमशीलता का अभाव जो होता है वह शिक्षण सिद्धांत की विशेषता नहीं है, बल्कि कमियों में आप सम्मिलित कर सकते हैं। विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी आंसर कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब लगभग लगभग सही हैं। निर्देशन प्रक्रिया होनी चाहिए, उद्देश्य केंद्रित, निर्देशकर्ता केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित और बाल केंद्रित। बता फ्रेंड, निर्देशन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड कि निर्देशन की प्रक्रिया किस प्रकार से होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सभी साथी कमेंट सेक्शन में अपने अपने जवाब कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया, डी आंसर प्रारंभ हो चुका, आप सभी के जवाब सही हैं भैया। कि ये जो हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी है, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो निर्देशन की प्रक्रिया जो होनी चाहिए फ्रेंड वह बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 100% करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी को चूज करने वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। निर्देशन प्रक्रिया बाल केंद्रित होनी चाहिए, बालकों को आधार, बालकों को केंद्र बिंदु मानकर यह प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। आगे बढ़े फ्रेंड, पियाजे के दृष्टिकोण से 7 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है संवेदी प्रेरक, पूर्ण संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक। भैया देख लीजिए, 7 से 11 और 11 से 15 वर्ष या 16 वर्ष। फ्रेंड पूछा जा रहा है 7 से 11 वर्ष या 12 वर्ष। आप समझ चुके हैं आंसर क्या है? जी हाँ बिल्कुल, आप सभी के आंसर सही हैं भैया। बात कर रहे हैं कि पियाजे के दृष्टिकोण में वह वर्ग जो 7 से 12 वर्ष के विकास की अवस्था को कहा जाता है वह कौन सा है? आंसर आप सभी के आने प्रारंभ हो चुके हैं। बिल्कुल आप सभी के आंसर 100% सही हैं। आप सभी के आंसर सही है, जी हाँ, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इज द राइट आंसर। पूरा विभाजन आपके सामने फ्रेंड, 0 से 2 संवेदीगामक, 2 से 7 मूर्त संक्रियात्मक, 7 से 11 या 12 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त या औपचारिक जो होता है 15 से 16 वर्ष होता है। मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर उपयोग पर बल दिया जाता है? मनोविश्लेषणवाद, संरचनात्मकवाद, व्यवहारवाद या संज्ञानवाद। यहाँ फ्रेंड, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के उपयोग पर बल दिया जाता है? 4 विकल्प आपके सामने फ्रेंड, सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। वस्तुनिष्ठ विधियों तथा तथ्यात्मक विधियों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। चलिए आंसर नंबर सी कमेंट करने, कुछ साथी कुछ लोग डी कमेंट कर रहे हैं, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। चलिए सी आंसर एक और आ गया, सभी साथी फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए डी भी कमेंट कर रहे हैं कुछ लोग, सी वाले साथियों के जवाब सही हैं, उन्हीं के साथ चलेंगे। व्यवहारवाद इज द राइट आंसर, व्यवहारवाद इसका बिल्कुल सही जवाब है। फिर व्यवहारवाद में ही तथ्यात्मक तथा वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन के माध्यम पर बल दिया जाता है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, अपने आज के सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। कुछ समायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होता है, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, आई होप आप सभी के आंसर भी बिल्कुल सही होंगे। इससे कुछ समायोजित का मतलब ऐसा व्यक्ति जो उपयुक्त समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाता, उसे कुसमायोजित व्यक्ति की संज्ञा देते हैं, बालक की संज्ञा देते हैं। तो बताइए भाई कौन सा बालक आपका? चलिए डी 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 डी, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बढ़िया,
सभी के आंसर बिल्कुल सही है फ्रेंड। चारों विकल्प बालक को समायोजित कुसमायोजित कैटेगरी में खड़े करते हैं, इसीलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो ये था फ्रेंड आज का आपका कंप्लीट क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। यहाँ पे क्लास प्रारंभ समाप्त होती है। आप सभी लोग लास्ट में जो अपने आंसर कमेंट करिए, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही अटेम्प्ट किए। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय, बने रहिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ।